हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल माय इको गाइड पर। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक आती रहे। और हाँ दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। याद रहे, आपका हर लाइक हमें मोटिवेट करता है हमारी वीडियोज़ को कंटिन्यू बनाने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। देखिए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है PPC। इसको कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इसी का नाम ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी है, इसी को प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी कहते हैं। एक बात मैं आपको और बता दूं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार एग्जाम में आता है, मोस्टली एग्जाम में ये आता ही है, तो आप इसको बहुत ध्यान से समझेंगे। तो पीपीसी मतलब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या ट्रांसफॉर्मेशन कर्व इसी को कहते हैं। और ये क्या बताता है, इट शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स। ये दो गुड्स के उन कॉम्बिनेशंस को बताता है विच कैन बी प्रोड्यूस्ड विद गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी, जिन्हें हम दिए गए रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी से प्रोड्यूस कर सकते हैं। यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व दो गुड्स के उन कॉम्बिनेशन को बताता है जिन्हें हम हमारे पास के सारे रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी से प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो आपको डेफिनेशन अगर याद ना भी हो तो इस टेबल से डेफिनेशन याद हो सकती है। That PPC shows different combinations. PPC shows different combinations of two goods which can be produced with given resources and technology. अब बात यहां ये आती है कि ये given resources and technology क्यों लगाया, क्योंकि production करने के लिए हमें देखो दो चीज जरूर चाहिए। एक तो चाहिए resources, पैसा, और दूसरा हमें चाहिए टेक्नोलॉजी। तो इन दोनों की मदद से प्रोडक्शन किया जाता है, इसलिए आ गया विद द गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। तो देखिए दोस्तों, अब पीपीसी के केस में आपको एक बात समझनी है कि हम डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को दिखा रहे हैं बट किसी एक को प्रोड्यूस किया जा सकता है। फिर चाहे ए को प्रोड्यूस कर ले, बी को प्रोड्यूस कर ले, सी को प्रोड्यूस कर ले, डी को या ई को। कारण क्या है कि ये सारे कॉम्बिनेशंस नहीं खरीदे जा सकते, हमारे पास जितने रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी है उससे किसी एक को प्रोड्यूस किया जा सकता है। ध्यान रखना, हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी है उससे किसी एक को प्रोड्यूस किया जा सकता है। अब आप जिसको चाहे उसको प्रोड्यूस कर ले। मान लीजिए प्रोड्यूसर कॉम्बिनेशन ए को प्रोड्यूस करता है तो वो गुड वाई की यूनिट्स तो प्रोड्यूस कर लेगा लेकिन गुड एक्स की कोई यूनिट प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। ध्यान रखना, अगर वो कॉम्बिनेशन ई को सिलेक्ट करता है तो वो गुड एक्स की तो यूनिट्स प्रोड्यूस कर लेगा लेकिन गुड वाई की यूनिट्स प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। यानी कि कॉम्बिनेशन ए में वो सिर्फ वाई प्रोड्यूस कर रहा है, कॉम्बिनेशन ई में वो सिर्फ एक्स प्रोड्यूस कर रहा है, जबकि कॉम्बिनेशन बी, सी और डी में वो दोनों को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो क्या है पीपीसी? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। दूसरा नाम क्या है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, सभी इसी के नाम है। और ये दो गुड्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशन यानी कि उन कॉम्बिनेशंस को शो करता है जिन्हें हम दी गई प्रोसेस और टेक्नोलॉजी से प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो आइए बनाना सीखते हैं पीपीसी इस टेबल के आधार पर। तो जब हम पीपीसी बनाएंगे तो आपको दो एक्सिस बनाने हैं, वाई एक्सिस पर लेना है गुड वाई और एक्स एक्सिस पर लेना है गुड एक्स। नाउ अब अगर हम ध्यान दें टेबल पर तो हमारे टेबल की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, गुड वाई के लिए 10 और गुड एक्स के लिए 4। यानी कि हमें एक ऐसा टेबल बनाना है जहां गुड वाई के लिए 10 तक चले जाए। तो हम दो का टेबल ले लेते हैं, 2, 4, 6, 8 और 10। और ऐसे ही दो का टेबल यहां ले लेते हैं, 2, 4, 6, 8 और 10। अब आप गौर से देखिए, जब एक्स की कोई यूनिट प्रोड्यूस नहीं होती तो वाई की 10 यूनिट प्रोड्यूस होती है। जब एक्स की कोई यूनिट प्रोड्यूस नहीं होती तो y की होती है 10 यूनिट। यानी कि यह है कॉम्बिनेशन ए। कॉम्बिनेशन ए पर 10 यूनिट ऑफ y एंड 0 यूनिट ऑफ x हमें मिल रहा है। फिर हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन बी की। तो कॉम्बिनेशन बी पर 1 यूनिट है x की और 9 यूनिट है y की, 9 यूनिट है y की और 1 यूनिट है x की। ठीक, इसे हमने क्या कहा, कॉम्बिनेशन बी कहा, जहां 9 यूनिट है वाई की और 1 यूनिट है एक्स की। हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन सी की, जहां 2 यूनिट है एक्स की और 7 यूनिट है वाई की। कॉम्बिनेशन सी, 7 यूनिट वाई की है और 2 यूनिट एक्स की है। इसको कहा गया सी।
कॉम्बिनेशन डी की बात करते हैं, जहां 3 यूनिट है एक्स की, 4 यूनिट है वाई की। तीन यूनिट है एक्स की और 4 यूनिट है वाई की, इसको कहा गया कॉम्बिनेशन डी। और लास्ट में हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन ई की, जहां सिर्फ किसकी यूनिट है, सिर्फ एक्स की यूनिट है, वाई की यूनिट क्या हो रही है, जीरो हो रही है, इसको हमने कहा ई, जहां वाई है जीरो और एक्स की है 4 यूनिट। तो ऐसे आपको ये कॉम्बिनेशन मिल जाते हैं, आप इनको मिलाकर लाइन बना दीजिए। तो ये जो बना है, ये है हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, इसे हम कहते हैं पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। और ये दो गुड्स के उन कॉम्बिनेशन को शो करता है जिन्हें हम दिए गए रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी से प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब यहां बात ये आती है कि जो पीपीसी बना है इसकी शेप क्या है। तो पीपीसी कॉनकेव होता है, पीपीसी कॉनकेव है, और उसका कारण है एमओसी, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, या एमआरटी, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, दोनों एक ही है। तो हम यहाँ एमओसी निकालना सीखते हैं, और एमओसी का फॉर्मूला है क्या खोया अपॉन क्या पाया, यानी कि डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। पहले यूनिट पर एमओसी कभी नहीं होता। अब आप देखिए कितना यूनिट का सेक्रीफाइस किया गया है, एक यूनिट का सेक्रीफाइस किया, कितनी यूनिट को पाने के लिए, एक यूनिट को पाने के लिए। देखिए सेक्रीफाइस हो रहा है एक यूनिट का, और गेन कितने यूनिट का हुआ, एक यूनिट का, तो 1/1 कितना हो जाता है, 1। अब देखिए कितनी यूनिट को सेक्रीफाइस किया, 2 यूनिट, -2 हो गया ना, -2 हो गया, कितनी यूनिट पाने के लिए, एक यूनिट पाने के लिए, तो सेक्रीफाइस डिवाइडेड बाय गेन कितना आ गया, 2। अब कितनी यूनिट का सेक्रीफाइस हुआ, 3 यूनिट का, कितनी यूनिट के लिए, एक यूनिट के लिए, तो सेक्रीफाइस डिवाइडेड बाय गेन कितना हो गया, 3। अब कितनी यूनिट का सेक्रीफाइस हुआ, 4 यूनिट का, कितनी यूनिट पाने के लिए, एक यूनिट पाने के लिए, कितना हो गया, 4। एमओसी यानी कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसी आ रही है, इंक्रीजिंग आ रही है, कैसी आ रही है, इंक्रीजिंग। और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की शेप कॉनकेव होती है ड्यू टू इंक्रीजिंग एमओसी, इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या बताती है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाई की उन यूनिट्स को बताती है जिनको एक्स को पाने के लिए सेक्रीफाइस किया गया है। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट शोज द अमाउंट ऑफ गुड वाई, The amount of good y which have been sacrificed to get more units of good x, x को पाने के लिए y के जितनी अमाउंट को सेक्रीफाइस किया गया है उसको बताने का काम करती है MOC। इसको कहा जाता है इट इज द रेशियो बिटवीन डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई यहाँ इंडिकेट करता है लॉस को, और डेल्टा एक्स इंडिकेट करता है गेन को। आई होप पीपीसी का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ, पीपीसी के तीन नाम हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर और ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। पीपीसी दो गुड्स के उन कॉम्बिनेशन को बताता है जिन्हें हम दिए गए रिसोर्स और टेक्नोलॉजी से प्रोड्यूस कर सकते हैं। पीपीसी की अगर हम बात करें शेप में कॉनकेव होता है, और कॉनकेव होने का कारण होता है इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या कारण होता है, इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और यहाँ एक बात बिल्कुल साफ साफ कही जाती है कि गिवन रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी से दोनों गुड्स का प्रोडक्शन नहीं बढ़ाया जा सकता। तो अगर एक गुड का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो दूसरे गुड को आपको सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। तो जिस यूनिट को, जिस गुड को सेक्रीफाइस किया गया, उसकी कितनी अमाउंट सेक्रीफाइस की गई है, कितनी अमाउंट पाने के लिए, ये बताती है एमओसी, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फुल फॉर्म है, और इसका एक और नाम है एमआरटी, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करें, लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका हर लाइक हमें इंस्पायर करता है ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाने के लिए। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।